यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना नगफनी क्षेत्र के दौलतबाग में मेराज वाली गली में रहने वाले यूसुफ उर्फ भोलू पुत्र रफीक अहमद को पुरानी रंजिश के चलते चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया था। परिवारजनों के अनुसार यूसुफ और भोलू अपने पिता की कब्र पर फातिया पढ़ने गया था, तभी पीछे से मुल्ला शाहनवाज सरफराज दिलशाद नामक व्यक्तियों ने हत्या कर फरार हो गए। क्षेत्रवासी घायल यूसुफ उर्फ भोलू को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, तो वहीं घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर क्षेत्रीय पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मुरादाबाद से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। वाले का नाम है मोहम्मद यूसुफ, वालिद का नाम रफीक। क्या हुआ था? ये लड़ाई चल रही थी कोई, वैसे ही अपने बाप की कब्र पे सिपारा पढ़ने के लिए गया हुआ था, इसे घेर का मान लिया, पूरे कब्रिस्तान में खून ही खून। कौन लोग थे वो? कौन लोग थे वो? दिलशाद है, मुल्ला शाहनवाज है और सरफराज है। अच्छा, आपको उन्हीं के ऊपर शक है? शक नहीं है, उन्होंने अच्छा भाई देखा उन्होंने। इससे पहले कुछ विवाद था? एहसान पूरा क्या मामला? अच्छा, पूरा क्या मामला था भैया? पूरा क्या मामला था? एक एहसान है कितना? पूरा क्या मामला था भैया? मामले का नहीं पता भाई, उसके वालिद का इंतकाल हो गया 20-25 दिन पहले, रोज सिपारा पढ़ने जा रही थी, उन्होंने घेर का मान लिया। अच्छा, थोड़ा सा ये दौलत बाकी सरकारी कब्रिस्तान। मोहम्मद यूसुफ क्या मारा? चाकू मारा क्या? देखिए, आज लगभग 3 बजे के आसपास, ये थाना नगफनी का दौलतबाग मोहल्ला है, कब्रिस्तान है, यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से वार करने की सूचना मिली थी। उसके बाद जब तत्काल यहाँ पे पुलिस पहुंची, पुलिस को पता चला कि उसको अस्पताल ले गया गया है। वहाँ जब उसको लेके गया तो संभवतः वहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। इनफैक्ट जो ये मृतक है, उसका पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से कुछ विवाद चल रहा है, कुछ अवैध संबंधों को लेकर के विवाद था। और उसके बाद जो इसमें जो मृतक है, उसके पास रहने वाले इसमें दिलशाद, एक इकराम, ये सब 3-4 भाई हैं। ये सभी लोगों ने आज ये व्यक्ति कब्रिस्तान आया था, जो मृतक है, और उसके ऊपर उसको घेर के उसके ऊपर वार किया गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें हम लोग इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, परिवारजनों से तहरीर ली जा रही है, और उसके बाद उसमें से एक व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, ताकि इसमें अगली कार्रवाई की जाए। ठीक है।